अभद्र टिप्पणियां करने पर चौकीदारों ने बाबू के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की। स्थानीय तहसील कार्यालय में पदस्थ भरत रणजीत भूरिया द्वारा डही में कार्यरत एक बाबू द्वारा गलत टिप्पणियां करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में 5 बिंदुओं पर एक शिकायत पत्र दिया है। इन अभद्र टिप्पणियों और धमकियां दिए जाने में मृतक के समर्थन में ग्रामीण क्षेत्र के चौकीदारों द्वारा बाबू के विरुद्ध अपना एक विरोध व्यक्त किया गया। यह मामला विभागीय किसी पुराने घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। आरोपी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। हालांकि शिकायती पत्र की जाँच उप निरीक्षक पृथ्वीराज सिंह तोमर द्वारा किए जाने की बात भी कही गई है। ये थी हमारे संवाददाता इंडिया समाचार के लिए धार से प्रवीण कुमार सोलंकी की खास रिपोर्ट इंडिया समाचार। मेरा नाम भारत मुकाती है। मैं तहसील कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदस्थ हूँ। 15 अगस्त के दिन में कर्म मेरे हिसाब से 3:30-4 बजे की समथिंग में तहसील कार्यालय गया था। वहाँ मेरा एक जो कनिष्ठ बाबू है उमेश पाटिल, में उससे मिलने गया था। उमेश पाटिल जो था वो रंजीत भूरिया जो प्यून चपरासी है उसके पास में बैठा हुआ था। तो मैं और उससे बात करी, यार क्या हालत है, वो बैठा था, हमने बात करी, क्या हाल है, बढ़िया है, 15 अगस्त, बिल्कुल हाँ हूँ करके बात करी। रंजीत अवस्थ से मेरी ये बात हुई, मैं क्या रंजीत आजकल बहुत तेज चल रहा है तू, बिन क्या, मैं क्या जरा शांति बनाओ, अपन शासकीय कर्मचारी है, उल्टा सीधा काम नहीं करना, ये शब्द मैंने बोले थे। इसके अलावा मेरे कोई शब्द नहीं बोले। आप पाटिल से बयान ले सकते हो और कोमल से बयान ले सकते हो आईसीजे से। मैं ये रंजीत भूरिया करके तहसील कार्यालय में पदस्थ हैं। वो अपने साथ ही चौकीदारों के साथ आया था थाने पर, जिसके द्वारा ये भरत मुखर्जी जो LCD के पद पे पदस्थ हैं तहसील कार्यालय में, उसने कल दिनांक 15 अगस्त 2021 को झंडा उतारते समय भृत्य रणजीत भूरिया के साथ में गाली गलौज की गई है तथा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर सुमन भाई के साथ मिलकर उसको झूठे बलात्कार के मामले में फंसाने की धमकी दी गई, जिस संबंध में चौकीदार के द्वारा थाने पर एक ज्ञापन दिया गया है जिसकी जांच की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।